तो जरूरी नहीं है कि आपकी बैटरी जो है ये खराब हो गई है या आपके बैटरी का कोई सेल जो है वो शॉर्ट हो गया है, लेकिन उससे पहले आप जो मैं इस वीडियो में काम करने जा रहा हूँ ये करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूनिटेक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है ये बैटरी बैकअप पर है। बैटरी जो है टॉल ट्यूबलर ये बैकअप देना छोड़ देती है, बहुत जल्द फुल चार्ज हो जाती है और बहुत जल्द फुल डिस्चार्ज हो जाती है। इवन के 500 वाट भी लोड जो है वो 2-3 मिनट के अंदर बैटरी को लो कर देता है। टॉल ट्यूबलर बैटरी की सबसे बेहतरीन सेटिंग कौन सी है वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस वक्त जो इन्वर्टर है ये 3.5 किलोवाट का है, तो 24 वोल्ट यानी कि 2 बैटरियां हैं यहाँ पे टॉल ट्यूबलर। तो अब मैं इसकी सेटिंग ओपन करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि बैटरी की टाइप कौन सी सिलेक्ट है। तो देखें जी, यहाँ पे AGN बैटरी की टाइप सिलेक्ट है। AGN जो है ये ड्राई बैटरी में फॉल करती है। तो इसके अलावा देखते हैं इन्वर्टर में और कौन सी है। फ्लडेड भी है, लेकिन टॉल ट्यूबलर है तो फ्लडेड, लेकिन ये फ्लडेड में नहीं आएगी। इसके लिए जो है ना वोल्टेज की रेंज थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है, इसलिए मैंने इसे यूज़र कर दिया है। तो अब हम देखते हैं बैटरी की जो चार्जिंग के वोल्टेज हैं बल्क और फ्लोटिंग ये कितने हैं। तो ये देखें जी, ये जो 28.2 बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं ये आम फ्लडेड जो कन्वेंशनल बैटरी है उसके हैं। तो हम इसके लिए जो वोल्टेज हैं टॉल ट्यूबलर के, ताकि ये फुल चार्ज हो सके, 29.2 सेट करेंगे। तो क्योंकि टॉल ट्यूबलर बैटरी 29.2 पर ही फुल होती है। तो आप देखें जी, जो 27 नंबर है इस पर फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्ट हैं, तो ये देखें ये भी 27 सेट थे, तो हमने फ्लोटिंग जो है वो 28.5 सेट करने हैं। ठीक है, ये हमने 28.5 सेट कर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटरी इक्वलाइज़र का कितना टाइम सेट है। तो ये बेसिकली जो है ना कम से कम 60 मिनट होना चाहिए। तो ये देखें जी, बैटरी इक्वलाइज़र भी 60 मिनट मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा फ्रेंड्स, चार्जिंग अम्पेयर्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। पर बैटरी कम से कम 10 अम्पेयर चार्जिंग जो है आप रखा करें, जिससे बैटरी जो है वो अच्छी तरह चार्ज हो जाया करे। बहुत सारे लोग जो है ना बहुत कम अम्पेयर सेट कर देते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने सिर्फ सोलर से करनी है या वापडा से या दोनों से चार्जिंग करनी है, लेकिन आप जिससे भी करें कम से कम 10 अम्पेयर पर बैटरी चार्ज। फ्रेंड्स, टॉल ट्यूबलर बैटरी के सेल के जो है वो फिज़िकली मॉनिटरिंग लाजमी किया करें। अगर आपके सेल इस तरह मुसलसल सुबह से शाम तक बॉयल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बैटरी के वोल्टेज बहुत ज़्यादा सेट हुए हुए हैं, मतलब 30-31 सेट हुए हुए हैं, या फिर आपके बैटरी का जो इक्वलाइज़र टाइम है वो आपका 600-700 मिनट सेट हुआ हुआ है। जबकि जो मैंने वीडियो में आपको 60 मिनट बताया है, 60 मिनट ही होना चाहिए और जो सेटिंग है बैटरी की वही होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने बैटरी की सेटिंग करें, और मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट मेरी वीडियो आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।